एबीपीएस न्यूज। आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज की टीम ब्लॉक ठाकुर द्वारा स्थित रानी नागला गांव पहुंची। वर्तमान समय में इस गांव में विकास कार्य तो नजर आया। वर्तमान प्रधान मनोज कुमार द्वारा इस गांव में विकास कार्य किया भी गया है, लेकिन अभी भी प्रधान प्रतिनिधि विकास कार्य से खुश तो नजर आते हैं, लेकिन अभी भी उनको गांव में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि उनके गांव में प्रधान द्वारा सड़कों का निर्माण कराया गया है, वहीं बिजली के पोल व शौचालयों का निर्माण भी गांव में कराया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रों को आवास भी वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन वहीं इज्जत घर यानी शौचालय भी गरीबों को वितरित किए जा चुके हैं, जिससे गांव को शौचमुक्त बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि ग्राम में विकास कार्य तो प्रधान द्वारा अच्छे तरीके से किया जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा फंड दुरुस्त न कराने की वजह से गांव में अभी भी पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत ही बेकार है। उन्होंने बताया कि पानी निकलते हुए सब स्कूल में जमा हो जाता है, जिससे हमारा भविष्य खराब होने की कगार पर है। हमारा भविष्य कहे जाने वाले छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे उस पानी में पढ़ने को मजबूर है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि गांव में विद्यालय की स्थिति बेहद ही खराब है। गांव में विद्यालय की दीवारें चटकी हुई नजर आती हैं, जिससे मासूमों की जान पर खतरा भी नजर आता दिखाई दिया। वहीं ग्रामीणों ने भी गांव के प्रधान के कार्यों की समीक्षा की और बताया कि प्रधान द्वारा गांव में सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं, जिससे गांव में अंधेरे का वास न हो सके। उन्होंने बताया कि प्रधान द्वारा कार्य अच्छे से किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने पैसा मुहैया नहीं कराया है, जिसकी वजह से गांव में पानी की निकासी का कार्य नहीं हो पा रहा है। मैं ग्राम पंचायत रानी नांगल का नागरिक हूँ। मेरा नाम प्रमोद कुमार है और साथ ही मैं ग्राम प्रधान रानी नांगल के मनोज कुमार जी का छोटा भाई भी हूँ। हमारी ग्राम पंचायत में जब से प्रधान जी मनोज कुमार जी बने हैं, उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में जो मुख्य रास्ते थे, गांव वाले जो कच्चे रास्ते थे जहां कभी लोग निकला नहीं करते थे, गाड़ी बैल फंस जाया करते थे, वहां हमारे प्रधान जी ने रास्तों का विकास किया है। हमारे प्रधान जी जो भी हैं, अब उनके सामने कुछ समस्याएं ऐसी आ रही हैं जो कि विकास के लिए विकास ज़्यादा है, हमारे ग्राम पंचायतों में अब तक विकास कम हुआ है। जिस रूप से ग्राम पंचायत में हमारी विकास होना था, उस रूप से हमारी ग्राम पंचायतों में विकास नहीं हो पाया है। उस विकास को तीव्रता से प्रगति लाने के लिए हमारे पास जो धन मिलता है, हमारे जो निधियों में पैसा आता है, वो हमें पर्याप्त मात्रा में पूर्ण रूप से पैसा नहीं मिल पा रहा है। यदि वो हमें पैसे की जो हमें पर्याप्त मात्रा में यदि पैसा मिल जाए, तो हम अपनी ग्राम पंचायत का विकास का कार्य और आगे से बढ़ाकर और आगे लेके जाएं। हमारी ग्राम पंचायत में आज तक एक स्थिति क्या हुआ कि एक भवन का निर्माण, पंचायती भवन, हमारी ग्राम पंचायत में आज तक पंचायती भवन नहीं है, जिसके लिए हम कोई आपस में बात या विचार करना है, कोई विमर्श करना है, एक दूसरे राय करनी है, तो बैठने के लिए हमारे पास एक पंचायत भवन की जरूरत है, जो हमारी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन नहीं है, पंचायत भवन की जरूरत है। अभी हमें और स्ट्रीट लाइटों की जो कमियां हैं वो थोड़ी और उनकी जरूरत है। ग्राम पंचायत रानी नांगल का रहने वाला हूँ, नागरिक हूँ। ये जो विकास कार्य मनोज प्रधान जी के द्वारा हुआ है, यहाँ पहले बहुत गारा था और इस बिना भेदभाव के मनोज प्रधान जी हमारे ग्राम पंचायत में कार्य कर रहे हैं।